बावजू होके सोया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स बावजू होके सोता है, जिक्र करके सोता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक फरिश्ता उसके बिस्तर में रात गुजारता है, निगरानी भी करता है और सारी रात दुआएं करता है, अल्लाहुम्मा फिर लिअब्दिक फइन्नहु बाता ताहिरा, ए इसके पालने वाले इसकी निगरानी तो हो गई, ये तो सोया हुआ है लेकिन बावजू होके सोया है, ए अल्लाह मेरी दुआ है तो इसकी बख्शिश फरमा दे। फरिश्ता उसकी बख्शिश की दुआएं करता है, जिक्र करके सोया करें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु अहिया, दुआएं मजीद पढ़ें और सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें और सूरतुल मुल्क पढ़ना ना भूलिए, कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत मुल्क है। और हदीस के अल्फाज हैं, कब्र के अजाब से बचाएगी ही अल मुंजिया, निजात देने वाली है, शफाअत लि साहिबिहा, क़यामत को सिफारिश करे, खासमत अन साहिबिहा, अल्लाह से जिद करेगी, हत्ता अदखलतुल जन्नत, जब तक सूरतुल मुल्क पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल नहीं करवा देगी, अल्लाह से जिद छोड़ेगी नहीं। उस वक्त सूरतुल मुल्क पढ़ के सो जाइए, नियत करके सो जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो रात को चारपाई की तरफ जाता है, नियत करता है, सो जाता है, बेदार नहीं हो सका, हत्ता कि सुबह हो गई, नींद का गलबा इतना हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे फरिश्ता नियत तो इसने की ना, इसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी तहज्जुद, इसके नामे अमान में तहज्जुद लिख दी जाए, और लोग तो सदका करते रहे ये सोया रहा, इसकी नींद को भी इसके नामे अमाल में बतौर सदका लिख दिया जाए।